बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में बन रही रियल लाइफ की जोड़ी कुछ ऐसी रही जो कि रियल लाइफ कपल में बदल गई और इनमें से कुछ आज भी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी जोड़ियां रही हैं जिनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और मेहंदी का कलर छूटने से पहले ही शादी टूट गई। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी जोड़ियों के बारे में जिनकी पट शादी और चट तलाक हुआ है। दरअसल 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की भी शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। मनीषा ने बिजनेसमैन सम्राट देहल से साल 2010 में शादी की थी, लेकिन दोनों के बीच धीरे धीरे झगड़े बढ़ते ही गए और आखिर में मनीषा ने शादी के 2 साल बाद साल 2012 में सम्राट से डिवोर्स लेना बेहतर समझा। बता दें कि मनीषा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह भी लिखा था कि मेरा पति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद अगर बात हो सुपरहिट फिल्म फुकरे और फुकरे रिटर्न्स से फेमस हुए एक्टर पुलकित सम्राट की शादी की। बॉलीवुड के दबंग खान की मुंहबोली बहन श्वेता रोहिरा से नवंबर 2014 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के 11 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। इसका सीधा कारण पुलकित और एक्ट्रेस यामी गौतम के बीच बढ़ रही नजदीकियों को माना गया। इस वजह से श्वेता का साल 2015 में गर्भपात भी हुआ। आखिर में दोनों की शादी टूट गई। सुपर पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं से फेमस हुई चाहत खन्ना ने साल 2006 में बिजनेसमैन भरत से शादी की थी, लेकिन शादी के 8 महीने बाद ही चाहत ने डिवोर्स की अर्जी डाल दी। बता दें कि शादी के बाद चाहत ने अपने एक्टिंग करियर को भी छोड़ दिया था, लेकिन पति की रोज की किचकिच से परेशान हो चाहत ने आखिर तलाक ले लिया। शादी से पहले दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे थे। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज रूम रिपोर्ट।